जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण की निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है और ये हमारा दूसरा टेस्ट है पर्यावरण का, जिसमें हम पढ़ेंगे। एक हमारा टॉपिक है हमारा भोजन, पर्यावरण में एक टॉपिक है हमारा भोजन, उससे संबंधित ये हमारा टेस्ट है। तो सभी लोगों को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सभी लोग बहुत अच्छे से देखें। इससे पहले हमने हमारा परिवार हमारे मित्र के जो प्रश्न थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनके बारे में पढ़ा। अब हम इसके बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और रोज़ आपकी बाल विकास और पर्यावरण की कक्षा होती है, लाइव क्लास होती है, रोज़ दोपहर में 2:30 बजे और शाम को 6:30 बजे, ठीक है। हिंदी की कक्षा होती है 9 बजे। तो जो भी साथी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो लाइव क्लास से अवश्य जुड़ें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपी ओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? अब हमें बताना है पश्चिम बंगाल का, बिहार का, तमिलनाडु का या फिर केरल का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और केरल की बात आती है तो एक केरल से हमें एक और प्रश्न पढ़ना है कि केरल में पेरियार अभयारण्य है। आपके पर्यावरण से संबंधित याद रख लेना है, जो करंट में रहा है पेरियार अभयारण्य, यहाँ सबरीमाला मंदिर है पेरियार अभयारण्य में, तो सभी को याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो उत्तर होगा केरल और पेरियार अभयारण्य में है ये सबरीमाला मंदिर, तो सभी को याद रख लेना है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबलता हुआ टैपियोका केरल का जो है प्रिय भोजन माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? जल्दी से हमें कमेंट में बताना है। इसका सही उत्तर होगा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ठीक है। इसका जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी, तो रोगी को आयरन की कमी पूरी करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ व गुड़ आदि का खाने में प्रयोग करें, क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा प्रचुर रूप से होती है, ठीक है। तो हमारे भोजन टॉपिक से संबंधित इस प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो विस्तृत रूप से भी अध्ययन हमारा चल रहा है, तो सभी लोग वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जरूर देखें। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है, यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा एनीमिया, एनीमिया यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। जब डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए दवाइयां लिखता है तथा साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है, तो वह मरीज एनीमिया रोग से पीड़ित है। एनीमिया के लक्षण हैं सिर में दर्द, किसी कार्य में मन न लगना और थकान आदि होना, ये इसके लक्षण होते हैं, और इसका जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है मलेरिया, पोलियो, चेचक या फिर निमोनिया। तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया, ठीक है। रुके या इकट्ठे हुए पानी में क्या होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं और मच्छरों से क्या हो जाता है, मलेरिया होता है। मलेरिया जल जनित रोग होते हैं, क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, जिनके काटने पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं, जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है, तथा पोलियो जो है विषाणु जनित एवं चेचक भी विषाणु। अब आपसे पूछा जाएगा कि पोलियो किससे होता है, तो ये विषाणु जनित रोग है, चेचक विषाणु जनित रोग है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? अब यहाँ से मच्छरों द्वारा आ गया, तो अब आपको बताना है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, म्यादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, एचआईवी एड्स, डेंगू, एचआईवी एड्स या हैजा, डेंगू। तो आपको जल्दी से उत्तर इसका बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि मच्छरों से जो रोग फैलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो मच्छरों से जो रोग फैलते हैं वो देखो, पहला तो हो गया कौन सा, डेंगू, फिर मलेरिया और चिकनगुनिया, ये मच्छर से फैलते हैं। डेंगू एवं चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसी हैं, जोड़ों में दर्द,
दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द बरसों तक रह सकता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा है ना एनोफिलेज है। यह रोग प्रोटोजोया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है। तो आपको याद रख लेना है कि जो डेंगू है, मलेरिया है या चिकनगुनिया है, ये मच्छरों के काटने से जो है उत्पन्न होता है या मच्छरों से फैलता है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? भोजन, मौसम, सौरमंडल या फिर ऊर्जा? जल्दी बताओ। उत्तर हो जाएगा भोजन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन का जो है विषय वस्तु है, तो वो है भोजन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान की विषय वस्तु है। ठीक है, तो भोजन जो है ये पर्यावरण की विषय वस्तु है 2005 के अनुसार। ठीक है, सभी को याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा कि किस पाठचर्या के अनुसार जो है भोजन पर्यावरण की विषय वस्तु है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया होता है? जल्दी बताना है, लोह तत्व के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, आंवला, पालक और जो गुड़ है इसमें लोह तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर आपको आयरन की कमी हो जाती है तो आंवला, पालक या गुड़ का सेवन आपको करना चाहिए। दिए गए खाद्य पदार्थों में आंवला, पालक, गुड़ में लोह तत्व की प्रचुर मात्रा रहती है। लोह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। लोह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लोह तत्व की कमी से रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिसे अरक्तता भी कहते हैं। तो आप सभी को याद रख लेनी है कि आंवला, पालक और गुड़ ये लोह तत्व को जो है क्या करते हैं, लोह तत्व की पूर्ति करते हैं या लोह तत्व इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, खाद्य संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? अब हमें अब एक बताना है, आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेव जैम, कच्चा आम, अचार। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे, तो उत्तर होगा दूध, पनीर। ठीक है, ये जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बना अचार तथा सेव से बने जैम अत्यधिक समय तक सुरक्षित करके रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पर्यावरण में पूछे जाएंगे। तो हमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल्दी बताओ, ये चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। ये ऐसी सब्जी हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। अब आपको पता होनी चाहिए, अगर आप सब्जी खाते हैं रोज तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी में बीज होते हैं। ठीक है, तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडू, करेला, ये खीरा बीज युक्त होते हैं, क्योंकि ये फल हैं जो फूल के रूपांतरण से बनते हैं, जबकि आलू एवं प्याज बीज युक्त नहीं होते। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जल्दी बताओ। 10 का उत्तर हमें बताना, अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक की थैली में रखना या फिर रेफ्रिजरेटर में वंचित करना। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अचार और आम पापड़ बना के आम को जाड़ों के लिए संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियमित समय तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं। यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो जल्दी से बताओ, खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं तो किसमें दिए गए हैं, सेंक कर, तल कर या फिर भून कर। यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। खाना पकाने का तरीका है सेंक कर भी, तल कर भी, भून कर भी, है ना, इसी तरीके से जो है खाना पकाया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं, मीरा समोसे
कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी, जल्दी से हमें बताना है। तो क्रमशः बताना है, उत्तर होगा सी, मोटापा और एनीमिया। मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि के खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा, और दिव्या लोह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है, इसलिए उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक जो 12 का उत्तर होगा वो सी होगा। इस प्रकार से सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसमें पूरा विस्तृत रूप से दिया है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब जो इसका विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो हमें बताना है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो सत्व भोजन के अवयव हैं, जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बन के यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है, भोरोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खालिस्तान से भरपूर है। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हमें बताना है, तो उत्तर हो जाएगा डी, है ना, प्रोटीन से भरपूर है। भोरोत्तोलकों को प्रायः है ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए उन्हें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिसमें ज़्यादा या भरपूर जो है प्रोटीन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है, जल्दी से बताना है। प्रश्न क्रमांक इसका सी सही हो जाएगा, सोयाबीन, चना और मक्का, ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अनाज हैं जिनमें भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन, चना एवं मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, याद रख लेना है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर जो नामक रोग है हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद होनी चाहिए क्वासियोरिकर जो रोग है वो इसकी प्रोटीन की कमी से होता है। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, याद रख लेना है आपको। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सभी को पता है क्वासर कोर नामक रोग की कमी से होता है, जल्दी बताओ। तो इसका जो क्वासर कोर नामक रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता, यह रोग प्रायः बच्चों में होता है। तो आप सभी को याद रख लेना है प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, हमें जल्दी से बताना है। चावल सभी लोग खाते हैं और इसमें अगर पॉलिश हो जाए तो कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो कैल्सीफेरॉल जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पर चावल में से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। अब आपसे पूछा जाता कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए थायमिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, क्योंकि हमारा भोजन आपका टॉपिक है, है ना, और भोजन को, है ना, NCF 2005 के तहत पर्यावरण का एक विषय माना गया है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट जो है स्रोत माना जाता है, और लगभग 43% इसमें प्रोटीन पाया जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? तो सभी का उत्तर फटाक से आना चाहिए, क्या होगा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जल्दी से उत्तर बताओ। सभी लोगों को पता है इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी। आपने देखा होगा कुछ लोगों को रात में दिखता नहीं है, तो वो रतौंधी है और ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके पहले और भी टेस्ट सीरीज हो चुकी है, वो जरूर देखें, है ना, विस्तृत अध्ययन देखें और लाइव क्लासों से जरूर जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको सभी ग्रुपों में आप शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।